हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम फ्रूट्स, सीड्स फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्सल और कुछ सीड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कल हमने देखा था फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बना लेते हैं, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? द ओवरी ग्रोज इंटू अ फ्रूट। जो ओवरी होती है वो ग्रो करने लगती है फ्रूट में। किसमें? फ्रूट में। बच्चों, ओवरी क्या होती है? ओवरी किसको कहते हैं हम? एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो भी फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट यानी पिस्टल के तीन पार्ट्स थे ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो बच्चों, ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी है वो और ज़्यादा ग्रो करने लगती है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। और जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना फ्लावर के, वो गिर जाते हैं। समझ में आया? द फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी। और जो फ्रूट है ना, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पकी हुई ओवरी है। क्या है? पकी हुई ओवरी, जिसे हम खाते हैं। द सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स। अच्छा बच्चों, ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओवरी के अंदर जो एग और सेल्स, जिसे हम कह रहे हैं फीमेल गैमेट्स कह रहे हैं ना, यही तो ओव्यूल्स बनाते हैं, है ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वो एग बनाते हैं ना। तो बच्चों, जो सीड्स होते हैं वो भी ओव्यूल से ही डेवलप होते हैं। किससे होते हैं? ओव्यूल से ही डेवलप होते हैं। एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल से ही बीज बनता है। समझ में आया? द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो। और जो बीज होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, enclosed in a protective seed coat। जो भी बीज होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उस पर, उसके अंदर बंद होता है। ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिसे सीड कोट कहा गया है। तो समझ में आया आपको? ये जैसे आपकी स्क्रीन पर एक एप्पल है, एप्पल का बीज है ना, तो एप्पल के बीज के अंदर एक एम्ब्रियो होगा, जिसको एप्पल के जो बीज का ऊपर वाली जो लेयर आप देख रहे हो ना ब्राउन, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड ज्यूसी। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्लैशी हैं और ज्यूसी हैं, यानी बिल्कुल रसीले हैं। सच एज मैंगो, जैसे मैंगो है ना, अलग ही रस निकलता है। ऑरेंज का तो जूस भी बनता है। सम फ्रूट्स आर हार्ड, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं, जैसे कि बादाम। बादाम का जो फ्रूट होता है ना वो ठोस होता है। और वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट कितना ज़्यादा टाइट होता है ना। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक आलमंड का पिक्चर है, रियल आलमंड यही होता है। इसी आलमंड को हम तोड़ते हैं और इसमें से जो मिगी निकलती है उस मिगी को हम खाते हैं। तो आपको यहाँ पर सीड फॉर्मेशन समझ में आया? सीड कैसे बनता है? सीड बनता है ओव्यूल्स से, ठीक है। और फ्रूट्स क्या होता है? फ्रूट्स जो हैं वो ओवरी अगर पक जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओवरी जो पक जाती है वही फ्रूट है, ठीक है। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं ना, वो सीड के रूप में डेवलप हो जाते हैं। समझ में आया आपको? चलिए अब हम पढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखराव, यानी बीजों का बिखराव।
बीज कैसे बिखर जाते हैं। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, एक ही तरीके के प्लांट अलग अलग जगह ग्रो करते हैं, अलग अलग जगह उगते हैं। जैसे आम का पेड़ एक बगीचे में और दूसरे बगीचे में आम का पेड़, यानी एक ही तरीके का पेड़ अलग अलग जगहों पर उगते हैं। दिस हैपन्स, ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेस, क्योंकि जो बीज हैं वो अलग अलग जगहों पर बिखरा दिए जाते हैं, इसीलिए वहाँ अलग अलग जगह पे सेम तरीके के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क, कभी कभार ऐसा होता है जब आप जंगलों से या किसी फील्ड से, बहुत बड़े खेत से या फिर किसी पार्क से आप गुजरते हो, किसी मैदान से, है ना, फील्ड का मतलब तो मैदान होता है ना, कोई आप जैसे राउंड लगाने गए हो, जंगलों में घूमने गए हो, या फिर कभी मैदानों से गुजर रहे हो, या फिर पार्क से गुजर रहे हो, यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। तो आप क्या पाएंगे, आप कभी कभार आपको आपके जो कपड़े होते हैं उन पे कुछ बीज चिपक जाते हैं, या फिर कुछ फ्रूट्स जो हैं वो आपके कपड़ों से स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लॉथ्स, क्या आपने कभी समझने की कोशिश करी कि ये जो बीज हैं ये आपके कपड़ों से कैसे चिपके? वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, will happen, क्या हुआ होगा, if all seeds of a plants were to fall at same place or grown there? ये बात तो दूसरी हो गई, है ना। जो पहले क्वेश्चन पूछा गया हमसे उसमें ये कहा गया कि आपने कभी सोचा है ये जो आपके कपड़ों से बीज चुपके हुए हैं ये कैसे चुपके? तो बच्चों, ये जो बीज हैं ये प्लांट से हवा या फिर सनलाइट, इन सब की मदद से, जैसे कभी हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो इनके थ्रू ये ब्लो होके चिपक गए, है ना, तो ये इसका फैक्टर हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपने, बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि तब क्या होगा जब सारे जो बीज हैं ना उन्हीं को उनको सबको एक जगह डाल दें और ग्रो कराएं। देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। तो वहाँ पे क्या होगा, उन बीजों को हमने एक जगह डाला है तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्पिटिशन शुरू होगा सनलाइट के लिए। एक बीज कहेगा मुझे सनलाइट चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे चाहिए, है ना। वाटर, वाटर भी सबको नहीं मिल पाएगा, वाटर के लिए भी लड़ाई होगी। मिनरल्स, कोई बीज ज़्यादा ले लेगा, कोई बीज के पास बिल्कुल मिनरल नहीं है। स्पेस, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है। तो एक ही जगह पर हम एक साथ सारे सीड्स डालकर प्लांट को ग्रो नहीं करा सकते। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकलेगा, द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट, जो बीज होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक हेल्दी प्लांट नहीं बन पाएगा उनसे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छे से मिनरल्स मिले ही नहीं है। प्लांट्स को किस किस की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है। जब इन्हें ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं तो इनके बीच में किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, तो इससे एक हेल्दी प्लांट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बीज जो हैं इनका बिखराव ज़रूरी है, ये अलग अलग जगह अगर बिखर जाएंगे तो सबको सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, मिनरल मिलेगा और स्पेस भी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ये जो पॉइंट डिस्क्राइब किया ये सीड्स की इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, सीड डिस्पोजल की इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब, ठीक है। प्लांट्स बेनिफिट बाई सीड डिस्पर्जल और सीड्स के बिखराव की वजह से जो प्लांट हैं उनको काफ़ी फायदा होता है, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, स्पेस आसानी से मिल जाता है। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स
ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स। वही बात कह रहे हैं ये कि इससे कंपटीशन नहीं होगा, अगर सीड्स अलग अलग जगह बिखर जाएंगी तो इनसे कंपटीशन नहीं होगा प्लांट्स के बीच में और खुद की सीडलिंग में, यानी खुद ग्रो करने में। सीडलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट जो है, छोटा सा प्लांट है, यंग प्लांट है, उसको ग्रो करने में कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं होगा इनके बीच में। और कंपटीशन किस बात का है कि मुझे सनलाइट चाहिए, दूसरा प्लांट कह रहा है मुझे भी सनलाइट चाहिए, किसी के पास मिल रही है सनलाइट, किसी के पास नहीं मिल रही है ना। एक कहेगा मुझे वाटर चाहिए, फिर मिनरल्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आसानी से मिल जाएंगी अगर जो सीड्स हैं वो अलग अलग जगह बिखर जाएँ। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेंट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे एक और फ़ायदा होता है, क्या होता है, इससे जो प्लांट्स हैं वो नई नई जगह एंटर कर पाते हैं। इन्वेड का मतलब क्या होता है, एंटर करना, यानी नई नई जगह जगहों पर जा सकते हैं, जा पाते हैं प्लांट, यानी नई नई जगहों पर प्लांट उग पाते हैं। प्लांट चल के नहीं जाते हैं, नई नई जगहों पर प्लांट उग पाते हैं, ठीक है। फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, काफ़ी दूर दूर तक प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर पाते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाई विंड। और जो सीड्स फ्रूट्स होते हैं ये विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा उठाकर दूसरी जगह डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से एक प्लांट निकल आता है, सिंपल है ना। अब पढ़ो बच्चों, विंग्ड सीड क्या होता है, विंग्ड सीड क्या होता है, सच एज दोज ऑफ ड्रम सीड्स, ड्रम स्टिक एंड मैपल। दो प्लांट बताए, दो बीज बताए मैंने आपको, विंग्ड सीड्स, विंग्ड सीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। विंग्ड सीड्स में दो सीड हैं, एक ड्रम स्टिक है और एक मैपल है, ठीक है। लाइट सीड्स, सीड्स ऑफ ग्रासेस, जो हल्की हल्की ग्रासेस के जो बीज होते हैं, जो घास के बीज होते हैं वो, ठीक है। आगे सुनो, और हेयरी सीड ऑफ आर्क मदार एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। यानी ये कुछ सीड्स के बारे में बता रहे हैं हमें कि ये जो सीड है ये हवा के द्वारा बहे चले जाते हैं और बहुत दूर दूर तक जा पाते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो सीड हैं, कौन कौन से सीड बताए आपको, ड्रमस्टिक और मैपल। ड्रमस्टिक मैपल को विंग्ड सीड क्यों कहा जाता है, विंग्ड सीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कुछ पंखुड़ी टाइप का लगा होता है। बच्चों देखिए, ये ड्रमस्टिक और मैपल हैं, ये ड्रमस्टिक और ये मैपल, समझ में आया। ये ड्रमस्टिक है, अंदर बीज है और ये विंग्स लगे हुए हैं। ये विंग्स यहाँ पर नेचुरली लगे हैं और नेचुरली लगने का रीज़न क्या है कि ये हवा के द्वारा आसानी से बहाए जा सके और दूर दूर जगहों पर स्प्रेड हो सके, ठीक है। और यहाँ पर ये बीज है और ये विंग्स, ठीक है। ड्रमस्टिक जो होता है, ड्रमस्टिक, इसका मेनली तेल निकाला जाता है बच्चों। ड्रमस्टिक है, इसको सहजन के बीज बोलते हैं। कौन से बीज होते हैं, सहजन के बीज। इसका इस्तेमाल हम दवाइयाँ बनाने में भी करते हैं, तेल निकालने में भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैपल, मैपल, मैपल भी, मैपल के बीज का भी इस्तेमाल हम मेडिसिन वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और तरीके के इन्होंने हमसे सीड्स की बात करी गई। एक तो घास के बीज होते हैं, घास के बीज अगर एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं ना, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे भी घास उगना शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा, हेयरी सीड ऑफ आर्क, आर्क या फिर मदार, क्या बोलते हैं इसको, मदार। इसके जो बीज होते हैं इनका इस्तेमाल हम दवाइयाँ बनाने में करते हैं, और हेयरी सीड होते हैं यानी बीच में सीड होगा और उसके आसपास पूरे में हेयर लगे होंगे। जैसे देखो बच्चों, आपकी में मदार वाला आग का दे रखा है, ये सीड होगा, ये पूरे हेयरी लगा हुआ है जिससे ये दूसरी जगह पर आसानी से चले जाएं हवा के द्वारा, ठीक है। हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर जो होता है ना, उसका भी तो हेयरी, हेयरी फ्रूट होता है। देखो
सनफ्लावर है, सनफ्लावर के बारे में आपको दे रखा है, ये सनफ्लावर का सीड है, ठीक है, और ये हेयरी है, हेयरी है इसकी वजह से ये आसानी से उड़े चले जाते हैं, ठीक। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर, कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बीज पानी के द्वारा बिखरे जाते हैं, ठीक है, पानी के द्वारा बिखर जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्गी और फाइबरस आउटर कोट एज इन कोकोनट, यानी ये जो फ्रूट्स होते हैं ये पानी के द्वारा बिखरे जाते हैं, तो पानी के द्वारा बिखरने में ये अपने अंदर एक फ्लोटिंग एबिलिटी यानी बहने की क्षमता को डेवलप कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में, स्पॉन्गी की फॉर्म में या फिर फाइबरस आउट कोट की फॉर्म में। फाइबरस आउट कोट का मतलब क्या हो गया, जैसे बच्चों कोकोनट, कोकोनट जो होता है नारियल, नारियल के ऊपर एक छाल लगी होती है ब्राउन ब्राउन कलर की, है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की रेशे रेशेदार होती है ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो एबिलिटी ये लोग डेवलप कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, स्पॉन्गी और फाइबरस आउटकोट, यानी जो ऊपर की कोटिंग है ना वो फाइबरस टाइप की है, जैसे कि कोकोनट में होती है जो ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर होती है, उसे हटाते हैं ना हम तभी तो वो वाइट वाइट अंदर का खाते हैं, तो वाइट कलर की जो भी वो कोटिंग है ना वो फाइबरस आउटकोट है। वो इस तरह के जो फ्रूट और सीड्स होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं जो पानी के द्वारा बहाए जाते हैं, समझ में आया। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई एनिमल्स, कुछ सीड्स जो होते हैं वो जानवरों द्वारा बिखरा दिए जाते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स यानी जो कांटेदार बीज होते हैं विद हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडी, वो उनकी बॉडी जो होती है उसमें अटैच हो जाते हैं, मतलब कांटेदार है, उनकी स्किन से चिपक जाते हैं, है ना, एनिमल की स्किन से चिपक जाते हैं, और एनिमल दूर दूर जगह जाते हैं तो उनके साथ साथ वो भी दूर दूर जगह चले जाते हैं सीड्स, और जैसे ही ज़मीन पे गिरते हैं तो सॉइल में मिक्स होकर फिर ये एक प्लांट को ग्रो कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल जैसे कि जेंथियम, क्या है, जेंथियम एंड यूरेना, तो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं जेंथियम यूरेना, ये किस तरह के सीड होते हैं, ये स्पाइनी सीड होते हैं यानी कांटेदार। आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखा है, ये जेंथियम है, क्या है, जेंथियम, एक्स ए एन टी एच आई यू एम, जेंथियम, ठीक है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड, कुछ सीड्स जो हैं वो बिखरते हैं व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क, जब फ्रूट जो है वो बस्ट हो जाता है यानी एकदम से फट जाता है अचानक से, तो फिर कुछ सीड्स ऐसे भी बिखर जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड, सीड्स जो हैं वो पूरी तरह बिखर जाते हैं, दूर दूर बिखर जाते हैं फ्रॉम पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जब सीड जो है, जब फ्रूट जो है वो बस्ट होता है यानी फ्रूट जो एकदम से फटता है, टूटता है। दिस हैपन इन केस ऑफ कैस्टर एंड बालसम, और ये किसके केस में होता है, कैस्टर एंड बालसम। कैस्टर क्या होता है, कैस्टर अरंडी होता है जिसको रेड़ी कहते हैं, रेड़ी, ठीक है, कैस्टर ऑयल सुना है, अरंडी का तेल, तो बच्चों ये वही वाला कैस्टर है, कैस्टर को सिंपली हम रेड़ी कहते हैं, रेड़ी, रेड़ी, ठीक है। और बालसम, बालसम क्या होता है, बालसम को हिंदी में हम गुल मेहंदी कहते हैं, बालसम, बालसम गुल मेहंदी, और कैस्टर क्या होता है, रेड़ी, और रेड़ी से क्या बनता है, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, समझ में आई बात। तो ये कैस्टर और बालसम ये कैसे ग्रो होते हैं, ये जब प्लांट, जब फ्रूट जो है उसमें अचानक से अगर फ्रूट फट जाता है तो इससे बीज चारों तरफ बिखर जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं और ज़मीन में दब जाते हैं, तो फिर जमीन पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं और सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ ही जाते हैं और वहाँ पर एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने फाइनली बहुत अच्छे से समझ लिया है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। प्लांट्स की ग्रो करने के दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पड़े, एक सेक्सुअल था और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।